एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पद्यांश को हल करने का ट्रिक, यानी कि ऐसा ट्रिक जिसे आप लगाते हैं तो आपको पद्यांश में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, ये जो पद्यांश है, देखिए यहाँ पद्यांश अगर आपको आता है तो सबसे पहले आपको पद्यांश को एक से दो बार बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने देख रखा है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तू न सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कोमल मुक्की मलानताएं मिटाना। ठीक है, ये देखिए जो पद्यांश है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है, जो कि पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। इसमें इन्होंने हरिऔध जी ने बताया है कि ये जो राधिका जी है वो पवन को क्या बना लेती, दूत अपना बना लेती, इसलिए ये पवन दूतिका से लिया गया है शीर्षक से। तो पवन को अपना दूत बनाते हुए राधिका जी पवन से कहती हैं कि पवन के माध्यम से अपनी जो व्याकुलता है, अपनी जो पीड़ा है, जो अपनी व्यसना है, उनको श्री कृष्ण तक पहुँचाने का काम हवा के द्वारा करती हैं, यानी वायु के द्वारा, पवन के द्वारा करती हैं। अपनी पीड़ा, अपनी व्याकुलता को वह वायु के द्वारा श्री कृष्ण तक पहुंचाने का कार्य करती है, और पहुंचाते हुए पवन को समझाती भी हैं। वो क्या समझाती हैं इस पद्यांश में बताया गया है। ठीक है, तो पद्यांश को आपने पढ़ लिया, एक बार दो बार पढ़िए, अच्छी तरह से समझ में जरूर आएगा। अगर आपने पढ़ा है वो चीज़ें आपके दिमाग में जरूर गूंजेंगी। तो इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी दिए हैं, जो कि चार प्रश्न है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो दिया है कि दिए गए पद्यांश का शीर्षक लिखिए, यानी शीर्षक का मतलब कि ये जो पद्यांश है वो किस कवि का है और किस शीर्षक से लिया गया है। तो आपको केवल इसमें शीर्षक लिखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे उत्तर लिख देना है। ठीक है, उत्तर हम लिख लेते हैं, ये उत्तर हो गया, और यहाँ पे पहले का उत्तर हम लिख रहे थे, यहाँ पहला डाल देंगे। और देखिए ट्रिक क्या है, इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। और हाँ, आपको एक काम करना है इस चीज़ को समझने के लिए कि वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया पद्यांश का पहला है शीर्षक लिखना है। तो इस तरह से अगर आप शीर्षक लिखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक ट्रिक अवेलेबल है, जो कि इसके सभी, इसके शीर्षक, इसके जो कवि हैं, सब आप उस ट्रिक से पता कर सकते हो। तो आप वो ट्रिक जाकर देख लीजिए। तो दिए गए पद्यांश का शीर्षक लिखना है तो हम लिख देंगे कि दिए गए पद्यांश का शीर्षक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। शीर्षक इस तरह से लिखने के बाद आपको करना क्या है कि कामा लगा देना। ठीक है, और ब्लैक पेन से लिखना है, हाईलाइट कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अयोध्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय। फिर इनके बाद इनकी टाइटल क्या है, हरिऔध। इस तरह से लगाकर इस कामे को बंद कर देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका दिए गए पद्यांश का शीर्षक, लिख दिया आपने। फिर इसके बाद दे रखा है कि इस पद्यांश के रचनाकार कौन है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे शीर्षक लिखना था, हम थोड़ा मिस्टेक हो गया। दिए गए पद्यांश का शीर्षक क्या है, पवन दूतिका है। इसका शीर्षक जो है वो क्या है, पवन दूतिका। तो हम यहाँ पे कामा लगाना है और लिख देना है पवन दूतिका। पवन दूतिका, इसको कामा लगाकर बंद कर देना है, ये हो गया। ठीक है गाइस, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस पद्यांश के रचनाकार कौन है। तो हमने बताया कि इस पद्यांश के रचनाकार कौन है, दूसरा है, तो दूसरा नंबर हम डाल देंगे। तो यहाँ पे दूसरा नंबर डाल देंगे, इस पद्यांश के रचनाकार लिखेंगे, इस पद्यांश के रचनाकार रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं।
हरिऔध जी हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसको ब्लैक पेन से लिखना है जिससे हाईलाइट लगे और जो कापी चेक करने वाले टीचर हैं उनका तुरंत ध्यान इस पे पड़ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? तो तीसरा डाल देंगे, तो आप जानते हैं कि कवि ने किसका चित्रण किया है, तो लिखेंगे इस पद्यांश में। देखिए ये जो पद्यांश है हरिऔध जी का, हमने बताया है कि इसमें जो आपकी राधिका जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हैं और समाज की पीड़ा से व्याकुल है, ठीक है। समाज की पीड़ा से भी व्याकुल हैं क्योंकि उन्हें समाज से थोड़ा डर भी लग रहा है। तो देखिए इसमें लिख देंगे कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, तो इस पद्यांश में, पद्यांश में कवि राधिका, राधिका के विरह व्यथा का चित्रण किया है और उनको समाज की पीड़ा से व्याकुल दिखाया है। ये हो गया। अब देखिए दे रखा है कि रेखा किन अंशों की व्याख्या कीजिए। अब इसकी व्याख्या किसकी करनी है, यहाँ पे देखिए दो रेखा खींचा गया, एक ये रेखा येलो कलर की दिखाई दे रही है और दूसरा ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है। इसी दोनों की आपको केवल व्याख्या करना है और न कि इसका कर दें, क्योंकि हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा समय कम रहता है, समय बचता नहीं है, तो आप समझदारी से काम करें, क्योंकि इन दोनों रेखांकित अंश की कहा है तो रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करना है। तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें दे रखा है क्या कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। देखिए इसमें लज्जाशील मतलब कि राधिका जी पवन को यहाँ पे समझा रही हैं, ठीक है, और समझाते हुए क्या कर रही हैं कि अगर अगर तुझे पथ मार्ग पर, पथ या पथिक है तो मार्ग पर ब्रजभूमि की कोई लज्जाशील महिला, अत्यंत लज्जाशील महिला दिखाई देंगी, तो उन्हें तुझे उसका सम्मान करना है, सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है और कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्र को उड़ाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो देना विकृत वसना तू न सुंदरी को, तो यहाँ पे फिर राधिका जी बोल रही हैं कि तुम उनके मतलब कि तुम उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमल अंगों को अनावृत मत कर देना, और बताती हैं कि ऐसी चंचलता किसी भी प्रकार से नहीं उचित है और नहीं क्षमा है। उचित का मतलब नहीं ऐसा ठीक रहेगा और नहीं ये क्षमा करने योग्य है। तो ये राधिका जी किसको समझा रही है, पवन जी को समझा रही है, तो इसको यही चीज़ को लिख देना है, ठीक है। बिल्कुल अपने शब्दों में लिखना है कि यहाँ पे समझाने का कार्य किया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाएंगे कि यहाँ पे राधिका जी पवन को समझा रही हैं कि अगर जब तू यहाँ से निकलेगा मेरे संदेश को लेकर तो तुझे मार्ग पर ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाएंगी, अर्थात उनका सम्मान करते हुए तुझे आगे को बढ़ना है और कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ा मत देना, वस्त्रों को उड़ा मत देना, न ही उनके जिससे उनके कोमल जो अंग है वो अनावृत हो जाएंगे। इस तरह की जो चंचलता है वो किसी प्रकार से उचित नहीं है, ना ही क्षम्य है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे हम डाल देंगे चौथा, चौथा नंबर व्याख्या। ठीक है, व्याख्या हमने डाल दिया और हमको क्या करना है, अगर आपके पास हाइलाइटर है तो आप इसको हाइलाइटर से लाइट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया व्याख्या। तो व्याख्या के बाद हमें लिखना है कि राधिका पवन को, पवन यानी वायु को
समझाते हुए कहती हैं कहती हैं, तुझे मार्ग पर ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी। देंगी फिर उनके बाद कहती हैं यहाँ से, तुझे उनका सम्मान करते हुए हुए आगे बढ़ना है। फिर कहती हैं उसके बाद, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनको उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमल अंगों को, कोमल यानी मुलायम अंगों को अनावृत मत कर देना, यानी उसे अनावृत मत कर देना। इस तरह का चंचलता किसी भी प्रकार से न ही उचित होगा न ही क्षम्य है। देखिए राधा जी यही कहती हैं पवन को समझाते हुए, यानी कि वो अपना संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाती हैं। किसके माध्यम से? पवन को अपनी दूत बनाकर। और वो समझाती हैं कि अगर तुम जा रहे हो पवन, तो तुम्हें रास्ते में ब्रज भूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी और तुम्हें उनका सम्मान करना है। कहीं चंचलता का अपने प्रदर्शन करते हुए उनको वस्त्रों को उड़ा मत देना, और नहीं जिससे कि उनकी जो कोमल अंग है वो अनावृत हो जाए। इस प्रकार का जो चंचलता है वो न किसी प्रकार से क्षम्य है ना ही उचित है। ठीक है, तो जब भेजती तो उसको बाकायदे समझा कर भेजती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की आल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।